हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्पेशल रेसिपी है चिकन करी की रेसिपी, जिसे बनाना जितना ही सिंपल है उतनी ही खाने में ही टेस्टी भी है। तो बिना किसी देरी के जल्दी चलते स्टार्ट करने, लेट्स गो। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 से 4 प्याज बारीक कटे हुए, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च। यहाँ पर हमने फ़ोरन में डालने के लिए खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें है जीरा, खसखस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और पत्थर फूल। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर भी लिए हैं और ये 1 पाव के करीब चिकन लिया है। तो सबसे पहले सरसों तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले जैसे ही लाल हो जाएं तो उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालकर अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि उनका कच्चापन जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज बारीक काट कर रखा था। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं, पर प्याज को पीस कर डालने से उसको भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इसी तरह काट कर डालेंगे तो वो जल्दी ही भुना जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्याज को सॉफ्ट होते तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल ब्राउन नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं आप कि प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज भी हो गया है और अदरक लहसुन और प्याज तीनों ही अच्छी तरीके से भून भी रहे हैं। तो बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, जो हमने धोकर साफ करके रखे हुए थे। चिकन को डालकर हमें इसमें मिक्स कर लेना है और इन्हीं मसालों के साथ चिकन को भूनते भी रहना है। यहाँ पर मैंने चिकन को सेंटर में कर दिया है और मैं इसे धीमी आंच पर ही भूनूंगी। बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी है, नहीं तो प्याज जलने लग जाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा और चलाकर अब इसे ढक ढक कर बारी बारी पकाऊंगी, ताकि जो चिकन है वो पकना स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसे ढक दूंगी यहाँ पर। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन कितना फ्रेश था, इसीलिए उसने पानी भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरीके से मैं पहले चला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने टमाटर बारीक काट लिए थे उसे, होममेड मसाला जो हमने तैयार किया अभी, 1 चम्मच चिकन मसाला, थोड़ी सी तीखेपन और कलर के लिए मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और कलर के लिए हल्दी पाउडर। इन सभी को मैं डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो बस अब हमें इस चिकन में कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करना है, बस बारी बारी रुक कर उसे चलाते रहना है और इन्हीं मसालों के साथ हम इसे भूनते रहेंगे। तो मैं इसे ढक ढक कर चला रही हूँ, ताकि जो चिकन है वो पकते भी रहें। और चिकन आप देख सकते हैं कि इतने फ्रेश थे कि इसने पानी भी छोड़ रहे हैं ये अच्छे से। तो जब भी आप चिकन लें, छोटे चिकन को ही लें, बड़े चिकन को ना लें, क्योंकि उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप चिकन की टंगड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकन जो है वो छोटा है या बड़ा। तो यहाँ पर हमारा चिकन और मसाले दोनों ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो मैं इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर लूँगी और इसे ढबकने के लिए 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो इससे जो ग्रेवी है उसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा और जो चिकन है वो थोड़े और पक जाएंगे अच्छे तरीके से। तो मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। चिकन चारों तरफ से तेल भी छोड़ दिया है उसने, जिसका कलर की बहुत सुंदर आ रहा है। तो बस ठंडियों के मौसम में इस गर्मा गर्म टेस्टी से चिकन का मज़ा लीजिए, रोटी या चावल किसी के साथ भी।